किसान भारत को WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर क्यों निकालना चाह रहे हैं, चलिए जानते हैं। पर में भारत WTO का संस्थापक सदस्य बना। WTO के कुछ नियमों में कहा गया है कि कोई भी देश प्रोडक्शन का 10% ही किसानों को सब्सिडी में दे सकता है। मतलब कि अगर भारत एक साल में 10,000 करोड़ का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करता है तो उसमें 1,000 करोड़ ही किसानों को सब्सिडी में दे सकता है। और WTO के रूल के हिसाब से WTO में शामिल देश अपने यहाँ MSP तय करने के लिए कोई गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि इससे ग्लोबल ट्रेड पर असर होगा। MSP या सब्सिडी देने के बाद किसान वही अनाज ज्यादा से ज्यादा उपजाएंगे जिस पर सरकार ने MSP या सब्सिडी दे रखी है, और उसे फिक्स प्राइस पर सरकार को बेच देंगे, और सरकार उसे दुनिया के बाकी देशों में खरीद से सस्ते प्राइस पर बेचकर मोनोपोली क्रिएट करेगी। इसे रोकने के लिए WTO ने MSP पर प्रतिबंध लगा के रखा है, इसलिए सरकार MSP पर कोई कानून नहीं बना सकती। पर दिक्कत यहाँ आ रही है कि जो पंजाब और हरियाणा के किसान है वो अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ट्रैक्टर हमारे पास ऑलरेडी, हमें पानी की सप्लाई एश्योर्ड है, हमें सीड की सप्लाई एश्योर्ड है, हमारे पास चावल और गेहूं के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं, तो हम केवल चावल और गेहूं ही उगाएंगे, इसके अलावा हमें कोई मतलब नहीं। पर कुछ सालों से सरकार वर्ल्ड सीड, फल, सब्जी और भी अन्य चीजों को बढ़ावा दे रही है। इन वजह से इनकी थोड़ी इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, इसलिए भी ये लोग सरकार से MSP की लीगल गारंटी की डिमांड कर रहे हैं। और अगर सरकार गेहूं और धान पर लीगल गारंटी दे भी देती है तो जो भी किसान है जो कि अन्य और चीजें उगाते हैं वो क्यों कोई और फसल उगाकर रिस्क लेना चाहेंगे? सीधा गेहूं और चावल उगाकर एक फिक्स प्राइस के आसपास फसल सरकार को बेच देंगे। डायरेक्ट बोला जाए तो इन लोगों के हिसाब से बाकी सब गया तेल लेने, इन्हें बस खुद से मतलब।